हाय गाइज, वेलकम टू माय चैनल। आई एम पल्लवी। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा रिंग लाइट अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू है। सो ये वीडियो कोई प्लान नहीं था, मेरी रिंग लाइट अचानक से आई, तो मैंने सोचा मैं ये वीडियो आप लोग के साथ शेयर करूँ, ताकि मेरे जैसे और भी जितने बिगनर्स यूट्यूबर हैं उनके लिए ये वीडियो हेल्पफुल हो, क्योंकि आई नो कि रिंग लाइट हम लोगों के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि हम लोग सनलाइट में बनाते हैं, बट मौसम ही है और वो चेंज होते ही रहता है, कभी बारिश तो कभी ठंड, कभी धूप निकलती है, कभी धूप नहीं निकलती है। सो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है ये, क्योंकि फोकस नहीं आ पाता, इसके कारण आप लोगों को ही देखने में प्रॉब्लम हो जाती है। क्योंकि अगर आई मेकअप में हम कोई रेड कलर यूज़ करते हैं ना, तो वो आपको ऑरेंज दिखता है। सो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। सो रिंग लाइट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है हम लोगों के लिए। सो मैं बहुत टाइम से चाह रही थी, मीन्स बहुत टाइम से चाह रही थी कि मेरे पास एक रिंग लाइट हो, बट रिंग लाइट भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव आती है एंड मैं उतना ज़्यादा नहीं एक्सपेंड करना चाहती थी। सो मुझे कुछ अफोर्डेबल में चाहिए था, जो जस्ट ट्राई ऑन, कि मैं एक बार ट्राई करके देखूँ, क्योंकि मेरा रिंग लाइट में कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो मैं बस एक एक्सपीरियंस भी करना चाहती थी एक बार कि कैसा हो। उसके बाद आप अगर दो एंड अभी मुझे ज़्यादा रिस्पॉन्स भी नहीं मिल रहा है यूट्यूब में, तो मैं उतना ज़्यादा एक्सपेंड नहीं करना चाहती थी, मैं एक अफोर्डेबल चाहती थी। सो अगर आप भी कोई अफोर्डेबल रिंग लाइट चाहते हो, तो आप ये वीडियो ज़रूर देखें एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और एंड बेल बटन को हिट कर दें, ताकि इस तरह के हेल्पफुल वीडियो आपके पास पहुँचता रहे। तो चलिए रिंग लाइट की तरफ बढ़ते हैं। सो मुझे कुछ इस तरह की पैकेजिंग में मुझे रिंग लाइट रिसीव हुआ था। इसके अंदर रिंग लाइट का बॉक्स है एंड स्टैंड का बॉक्स है, आप देख सकते हो, एंड बहुत अच्छे से इसकी पैकेजिंग मुझे रिसीव हुई थी। सो ये है रिंग लाइट का बॉक्स एंड इस पर आपको ब्रांड नेम, कितने इंच का है, ओवरऑल सारी डिटेल मिल जाती है। एंड उषाका एक जापनीज ब्रांड है जो कि इंडिया के साथ इसने टाई अप किया हुआ है। एंड ये रहा हमारा स्टैंड एंड ये कुछ पार्ट्स हैं जिससे आप स्टैंड एंड रिंग लाइट को अटैच कर सकते हो। तो फर्स्टली मैं आपको रिंग लाइट निकाल के दिखाती हूँ। तो रिंग लाइट कुछ ऐसा दिखता है, आप देख सकते हो, ये कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ पे आपको बटन्स ऑप्शन मिल रहे हैं, जैसे कि ये है पावर बटन एंड ये है माइनस, जिससे आप लाइट को कम कर सकते हो, लो कर सकते हो। ये है जिससे कि आप लाइट्स के कलर को चेंज कर सकते हो, वार्म कर सकते हो, वाइट कर सकते हो एंड एक लाइट वार्म टाइप कलर कर सकते हो, तीन ऑप्शन आते हैं। देन ये है आप अपने लो लाइट को हाई कर सकते हो। सो आपको चार बटन ऑप्शन मिल रहे हैं एंड रिंग लाइट आपको कुछ ऐसी गोल सी मिलती है, आप देख सकते हो। एंड ये 10 इंच रिंग लाइट है, ये 18 इंच नहीं है, ये 10 इंच है। सो या एंड देन आपको ये वायर मिलता है एंड ये एंड इसे आप किसी भी अडेप्टर में अटैच करके अपना रिंग लाइट ऑन कर सकते हो। किसी भी कोई भी फ़ोन का जो चार्जिंग अडेप्टर होता है ना, आप उसमें डालो एंड इसे ऑन कर सकते हो। ये है हमारा स्टैंड, बहुत भारी है, बहुत ज़्यादा ही भारी है। सो आप देख सकते हो, ये है हमारा स्टैंड और आप इसकी लेंथ देखो, जब ये बॉक्स में है ना, उसी टाइम आप इसकी लेंथ देख सकते हो, कितनी लंबी लेंथ है, कितनी अच्छी खासी इसकी लेंथ है। अगर मैं इसकी क्वालिटी की बात करूँ ना, तो इसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। मुझे रिंग लाइट का नहीं पता, क्योंकि मैंने वो अभी तक यूज़ नहीं किया, तो मैं नहीं बोल सकती, बट मैं स्टैंड को मैंने देखते ही मैंने बोल दिया था कि वाह यार, स्टैंड तो बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, बहुत स्टडी स्टैंड। ये ऐसा कोई होता है ना लोकल सा लुचपुत सा जो स्टैंड आता है, जो कि दो बार गिरे तो वो टूट जाए, ये वैसा स्टैंड नहीं है। ये बहुत ही स्टडी है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग टाइप ऑफ स्टैंड है ये। सो आप 1700 में, अगर आपको रिंग लाइट नहीं भी पसंद आती है, बट आप अगर इतना अच्छा स्टैंड आपको मिल जाता है ना, तो आपको जरूर लेना चाहिए। तो अब मैं आपको रिंग लाइट अटैच करके दिखाती हूँ। सो इसे पहले ओपन कर लेते हैं। सो इसके साथ मुझे जो भी इसके पार्ट मिले थे, मैं उसको इसमें लगा रही हूँ, ताकि मैं इसकी हेल्प से रिंग लाइट को इसमें अटैच कर पाऊँ। एंड आपको इसमें कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं मिलता है इसके बॉक्स पे, क्योंकि मैंने देखा था, मुझे इंस्ट्रक्शन नहीं मिला था। सो आप देख सकते हो, अब मैं इसमें रिंग लाइट अटैच कर रही हूँ और बहुत ध्यान से आपको सब कुछ करना होता है।
क्योंकि अगर थोड़ा सा भी गड़बड़ होगा तो फिर ढीला हो जाएगा आपका रिंग लाइट एंड वो अच्छे से अटैच नहीं हो पाएगा, फिर आप अच्छे से फ़ोन भी उसमें नहीं स्टैंड कर पाओगे। सो मैंने रिंग लाइट को अटैच कर लिया एंड आप इसको अच्छे से मूव कर सकते हो, डाउनवर्ड में, अपवर्ड में, हर एक जगह वे में इसे आप मोड़ सकते हो। एंड ये है इसकी लाइट, आप देख सकते हो। एंड ये रहा हमारा रिंग लाइट। सो मैंने इसे अभी ज़्यादा नहीं खोला हुआ है, फिर भी इसकी लेंथ आप देख सकते हो। एंड इसमें आप अपना फ़ोन होल्ड कर सकते हो, ये फ़ोन होल्डर है, आप देख सकते हो। एंड देन आप अपने स्टैंड को इतना लंबा कर सकते हो अगर आपको ज़रूरत हो तो, वैसे तो हमें नहीं है बट। तो अब मैं आपको लाइट को ऑन करके दिखाती हूँ अपने फेस पे कि मेरे फेस पे इस लाइट का इफेक्ट कैसा आता है। सो आप लोग के लिए ज़्यादा इजी होगा समझना। अभी लाइट ऑफ है एंड आप देख सकते हो मेरा फेस। सो अब मैं आपको ऑन करके दिखाती हूँ। सो गाइज आप देख सकते हो ये नॉर्मल लाइट है जो कि बाहर से थोड़ी बहुत आ रही है, वो लाइट है। अब मैं आपको रिंग लाइट ऑन करके दिखाती हूँ कि उसका इफेक्ट मेरे फेस पे कैसा आता है, उसकी लाइट कैसी आती है मेरे फेस पे। सो ये है। सो रिंग लाइट मैंने ऑन किया है एंड उसका लाइट कुछ ऐसा आता है मेरे फेस पे, आप देख सकते हो। सो उतना कोई ज़्यादा सही नहीं है बट उतना कोई ज़्यादा ख़राब भी नहीं है क्योंकि ये 10 इंच की रिंग लाइट है एंड आपको 1700 में मिल रहा है। इतना अच्छा स्टैंड एंड लाइट भी कोई खास बुरी नहीं है। अगर आप चाहो तो आराम से रूम में बैठ के बना सकते हो अपना वीडियो। सो अभी फ़िलहाल के लिए तो मुझे ये रिंग लाइट अच्छी लगी एंड 1700 के हिसाब से मुझे ये रिंग लाइट बहुत ज़्यादा अच्छी लगी क्योंकि 1700 में आपको इतना अच्छा रिंग लाइट मिल रहा है। एंड ये जो रिंग लाइट है ये ओशाका एक ब्रांड है, ये उसकी रिंग लाइट है एंड ओशाका एक चाइनीज ब्रांड नहीं है। सो मैंने कोई भी चाइनीज ब्रांड को प्रमोट करना सही नहीं समझा और मैं चाहती भी नहीं हूँ कि मैं किसी भी चाइनीज ब्रांड को प्रमोट करूँ। सो ओशाका एक चाइनीज ब्रांड नहीं है। मुझे पता नहीं है एग्जैक्टली कि ये किस कंट्री का ब्रांड है बट मुझे जैसा लग रहा है कि ये शायद जापान का ब्रांड है, शायद, आई एम नॉट कन्फर्म गाइज, शायद ये जापान का ब्रांड है। सो एंड अगर आपको ये रिंग लाइट नहीं पसंद आ रही है, इसकी लाइट आपके लिए सफिशियंट नहीं है, आपको नहीं पसंद आ रही है, तो आप क्या कर सकते हो कि आप डिजिटेक की, जिसकी रिंग लाइट बहुत ही अमेजिंग आती है, सबसे अच्छी रिंग लाइट उसी ब्रांड की आती है, सो आप उसका सिर्फ रिंग लाइट ले लो, स्टैंड नहीं, सिर्फ रिंग लाइट ले लो जो कि आपको 2500-3000 तक में मिल जाएगी। मैंने ऑनलाइन चेक किया था जब मुझे भी रिंग लाइट लेना था तो वो 2500-3000 ऑन डिस्काउंट दिखा रहा था, आपको उतने तक में आ जाएगी। सो आप उसे लेकर इस स्टैंड में अटैच कर सकते हो एंड आपको अलग से स्टैंड लेने की या उसके साथ स्टैंड लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इस स्टैंड के साथ कोई भी रिंग लाइट अटैच कर लो। सो या गाइज एंड मुझे अच्छा लगा, मेरे लिए तो अभी के लिए तो ये रिंग लाइट सही है एंड अगर आप बिगनर्स हो तो आपके लिए भी ये रिंग लाइट बहुत ही अमेजिंग है। एंड अगर प्राइस वाइज देखें तो मुझे लगता है कि जो 3000-4000 इतने में जो दिखाते हैं रिंग लाइट, जिसकी जो कि डिजिटेक का नहीं होता है, कोई और कंपनी का जो दिखाते हैं, उन सबसे बेटर मुझे तो यही रिंग लाइट लग रहा है क्योंकि मैंने यूट्यूब पे भी बहुत सारे, जब मुझे रिंग लाइट लेने थे तो मैंने यूट्यूब पे भी बहुत सारे रिव्यूज़ देखे थे अच्छी रिंग लाइट के बट मुझे नहीं मिले। सो मैंने रिक्स लिया एंड मैंने ये रिंग लाइट मंगाई एंड आई एम रियली हैप्पी विथ दिस रिंग लाइट। सो अगर आप चाहो तो आप ये रिंग लाइट ले सकते हो, अगर आपको पसंद आता है, आप अफोर्डेबल रिंग लाइट ढूंढ रहे हो तो आप ले सकते हो। एंड आई जस्ट होप कि आप लोगों के लिए ये रिव्यू हेल्पफुल हुआ होगा, आप लोगों को अच्छा लगा होगा। सो अगर आप लोगों के लिए ये रिव्यू हेल्पफुल होता है, आप लोगों को अच्छा लगता है, आप लोगों के लिए ये रिव्यू हेल्प करता है आप लोगों को रिंग लाइट खरीदने में, सो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। सो या गाइस दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो, मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में।